हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं यहाँ पे ये बादाम और काजू हैं ये रखे थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हें धूप लगा देते हैं। काफ़ी टाइम से ऐसे रखे थे, वैसे तो ये फ्रिज में रखे थे। तो अभी बस मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ अपना, और आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में बनाना सैंडविच। और आपको मेरे सैंडविच बहुत पसंद आते हैं। अभी तो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ किसी भी तरीके के, पर आज मैंने बहुत दिनों के बाद ये बनाना और पीनट बटर वाले बनाए थे। तो थैंक यू, आपको मेरे सैंडविच पसंद आते हैं काफ़ी। तो मैं आपके साथ बहुत जल्दी ही एक नई सैंडविच की रेसिपी शेयर करूँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे सैंडविच ही बना रही हूँ, और अभी बने इनको अच्छे से क्रिस्प कर लिया है यहाँ पे, और बहुत ईजी है और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अभी क्या चल रहा है ना, हस्बैंड के, अब मैंने बताया था पहले व्लॉग में भी आपको कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हस्बैंड जिस दिन एग्ज़ाम होता है बच्चों का, उस दिन मेरे हस्बैंड का तो ब्रेकफास्ट नाश्ता शाम तक का वहीं पे ही होता है, और फिर मैं ही अपने लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ घर पे नॉर्मल। और मेरे हस्बैंड ना पीनट वाली चीज़ें थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो मैं सिर्फ उनके लिए भी बनाती हूँ, पर अभी बना रही हूँ मैं अपने लिए। और मेरी जो हाउस हेल्पर आती है उनके लिए मैं सुबह को ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता चाय वगैरह जो भी बनाती हूँ, तो मैं उनको भी ज़रूर दे देती हूँ, अपने साथ ज़रूर देती हूँ। और तो बस यहाँ पे मैंने ब्रेड ये अच्छे से सेक के इन पे लगा रही हूँ मैं बटर, और इसके बाद मैं लगाऊंगी बनाना, कट कर दूंगी। तो आप बनाइएगा और देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्थी भी होते हैं। और अक्षिता के लिए मैं सिर्फ ये जैम वाला है ना, ये वाला लगा के दूंगी। तो मैं अभी अक्षिता के लिए लगा रही हूँ यहाँ पे, और अक्षिता को ऐसे ज़्यादा पसंद आता है इस तरीके से लगा के खाना। तो अभी मेरा सारा काम यहाँ पे ना हो चुका था, बस मैं यहाँ पे नाश्ता अपना, और अधिकतर ब्लॉग मेरे यहीं से स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट वगैरह से। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, काफ़ी बातें भी हो गई हैं और अब ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो बस मैंने इसको ना बीच में से कट कर दिया है, और अक्षिता इसको अच्छे से खा लेती है। तो सबसे पहले मैं अक्षिता को दे आती हूँ, और उसके बाद मैं जो हमारे ब्रेड है ना वो तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पे बनाना कट करके लगाया है, मुझे बहुत इसमें बनाना की इतनी अच्छी महक आती है ना, बनाना की जो खुशबू होती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बनाना का, आप किसी में भी डाल लो बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पहले। बस यही बनाया, और अक्षिता भी नहा ली है और वो अपना लगी हुई है फ़ोन में, और टीवी चल रहा है सामने, तो ब्रेकफास्ट ये सब देख लिया आपने क्या मैं बना के लेके आई हूँ। तो चलो, आज मैंने ना हेयर वॉश किया था, तो अभी बाल गीले हैं, सूखे नहीं हैं, तो अभी खोल ही रखे हैं जब मैं चाय पी लूँगी। तो मैं अभी चाय पी रही हूँ, और पता है मैंने ना सैंडविच जो बनाए थे, बनाना सैंडविच, वो तो मैंने खा लिए हैं, ये रात ना अभी खा लेना, ये वाले पापड़ है ना, ये
ये फ्राई नहीं सेके के थे, ऐसे ही सेके थे तो ये ज़्यादा हो गए थे। मेरा रात खाने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने अपने इसके अंदर बर्तन के अंदर बंद करके रख दिए ये, और अभी भी मुझे लगा ये वैसे हो जाएंगे सीले सीले, पर ये बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी से बने हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से ये स्टोर हो गए, रात तो काफ़ी सारे हो गए थे तो इसीलिए मैंने अभी मैं चाय के साथ अब खाए मैंने ये। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद दोपहर के टाइम में मैं अक्षिता को होमवर्क करा रही हूँ उसका, और अक्षिता के अभी एग्ज़ाम भी फिनिश हो गए हैं सब कुछ। तो जो उसका हॉलीडे, उसके हॉलीडे चल रहे थे 10-15 दिन से, तो अभी जो उसका होमवर्क मिला हुआ है ना, जो हॉलीडे का होमवर्क होता है, बस वही करा रही हूँ यहाँ पे। और अभी वो प्री प्रैप में, प्रैप में आ जाएगी, और कुछ दिन बाद उसके स्कूल भी खुल जाएंगे और नई न्यू जो एडमिशन है बच्चों का वो सब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मंथ की पढ़ाई होगी और फिर स्कूल बंद हो जाएंगे। अप्रैल में तो स्टडी चलेगी और मई वगैरह में बंद हो जाएंगे यहाँ पे स्कूल। तो बस यहाँ पे मैं उसको उसका स्कूल का ही काम करा रही हूँ, और देखो कितनी मस्ती कर रही है। और अभी आ गई थी मैं किचन में, तो ये मेरे ना, मैं घर से आई थी, मम्मी ने ये दही बल्ले बनाए थे, तो थोड़े बनाए थे लेकिन थोड़े से मेरे लिए भी रख दिए थे, मैंने तो वहाँ पे जाके बनाए थे ही, और ये मम्मी ने ऐसे ही बना लिए थे कि खाने के लिए, तो मेरे लिए रख दिए थे और ये रखे भी थे, तो मैंने सोचा चलो आज इन्हें तैयार कर देती हूँ, क्योंकि जो सामान घर में रखा रह जाए ना तो वो रखा ही रह जाता है। और अभी मैं इस वाले बर्तन में मैंने दही जमाया था रात, तो घर का जो दही है ना मैं उसी में इनको तैयार करूँगी। तो अभी मैंने जितनी दही चाहिए ना, मुझे ज़्यादा तो थे नहीं, थोड़े से ही थे, तो जितनी दही चाहिए बस उतना निकाल लिया है मैंने। और अभी इसमें डालूंगी मैं, सबसे पहले इसमें डालूंगी जीरा, और जो हींग होती है ना वो डालूंगी, जीरा और हींग को हल्का सा भून के। अभी तो मैं इसको अच्छे से तैयार कर लेती हूँ फेंट के। अभी बस मैं अभी खाना खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में मैंने बनाए यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी, इस तरीके की बिना लहसुन प्याज की है। और चावल बनाए हैं खाने के लिए, तो भाई सभी अक्षिता को खिला रही हूँ खाना, और मैंने व्लॉग भी चला रखे हैं टीवी में आपके। तो चलिए, और अक्षिता अब यहाँ पे दोपहर का टाइम है तो उसको किसी ना किसी तरीके से लगाए रखना है पढ़ाई में भी थोड़ी देर, तो वो कलर कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, बाय।